उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं, जिसमें नंदी सूत्र की मंगलमय वाचना आप सभी के समक्ष चल रही है। आपने सुना आचार्य देववाचक जी ने सर्वप्रथम अरिहंत भगवंतों की स्तुति की, उसके पश्चात भगवान महावीर नंदी सूत्र में वर्णित जितने भी महापुरुष हुए हैं, मैं आपके सामने वो जीवन सुनाना चाहती हूँ। इस बीच में जो उन्होंने संघ की स्तुति की, इसमें मैं सिर्फ इतना भर कहना चाहूँगी कि पहले अरिहंत भगवान, दूसरे प्रभु महावीर और तीसरे नंबर पे उन्होंने संघ को लिया। गणधर आचार्य सब बाद में। आप कहोगे कौन सा संघ, कैसे संघ की स्तुति की, श्रमण संघ की स्तुति की, ज्ञान संघ की स्तुति की, कौन से संघ की स्तुति की। आजकल तो संघ देखो तो बहुत संघ बन गए, बहुत गच्छ बन गए, बहुत संप्रदाय बन गई, अपने अपने गच्छ के बहुत आचार्य बन गए, फिर कौन से संघ की स्तुति की होगी उन्होंने। हाँ जी बहनों बताइए। हाँ जी भाइयों, कौन से संघ की स्तुति की होगी। हाँ जी, हाँ बड़ा सुंदर उत्तर दिया भाई ने। संघ क्या है, आजकल आपके सामने जितने भी संघ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी गच्छ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी गण दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारे आचार्यों ने, हमारे बड़ों ने बनाए हैं। भगवान महावीर ने तो बनाया ही नहीं था, ना भगवान महावीर ने श्रमण संघ बनाया था, ना भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान संघ बनाया था। जो भी संघ के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो भी संघ है भगवान महावीर ने नहीं बनाए थे। भगवान महावीर ने तो एक ही संघ बनाया था, कौन सा, चतुर्विध संघ। तीर्थंकर हमेशा चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। जब उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है, उस समय देवता समोसरण की रचना करते हैं। उस समोसरण में जितने भी भवी जीव आत्माएं आती हैं, बहुत नर नारी, हजारों नर नारी दर्शन करने, प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। पशु पक्षी त्रियंच देवता देवियां, बहुत बड़ा समोसरण होता है ऐसा। वो एक योजन जितने विस्तार वाला भव्य समोसरण, उसमें 12 प्रकार की परिषद बैठी हुई होती है, उसमें सभी भगवान की वाणी को सुनते हैं, आनंदित होते हैं। तब भगवान महावीर सर्वप्रथम उपदेश देते हैं, तीर्थंकर सर्वप्रथम उपदेश देते हैं, और उस उपदेश से प्रभावित होकर लोग दीक्षा अंगीकार करते हैं। सर्वप्रथम जो लोग दीक्षा लेते हैं, जो जीवात्माएं दीक्षा लेती हैं, प्रबुद्ध जीवात्माएं, उन्हें गणधर पद प्रदान किया जाता है। फिर चतुर्विध संघ की स्थापना की जाती है। जो पुरुष होते हैं साधु, दीक्षा अंगीकार करते हैं, वो साधु संघ में, साधु तीर्थ में, और जो साध्वियाँ दीक्षा लेती हैं वो साध्वी तीर्थ में, जो श्रावक के व्रत अंगीकार करते हैं वो नर नारी श्रावक और श्राविका कहलाते हैं। ऐसे भगवान तीर्थंकर महावीर चतुर्विध संघ की स्थापना अपनी उस पहली देशना में करते हैं, जिसमें साधु साध्वी श्रावक और श्राविका बनाए जाते, चतुर्विध संघ बनाया जाता। कि मेरा जो धर्म है, मैं जो कह रहा हूँ उसका प्रचार प्रसार करने वाले, उसको आगे लेकर जाने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने वाले, क्योंकि मैं तो थोड़े समय का हूँ, कितने समय तक जीऊँ।
आगे जो ये संघ चलेगा, जो ये धर्म चलेगा, ये इस चतुर्विध संघ के कंधों पर ही चलेगा, चल भी रहा है। भगवान महावीर को निर्वाण हुए 2600 वर्ष व्यतीत हो गए, आज उन्हीं के साधु साध्वी, आज उन्हीं की श्रावक श्राविकाएं भगवान की वाणी को, उनके धर्म को, उनके उपदेशों को नगर नगर, गांव गांव, आगे से आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित करते हुए आगे से आगे लेकर जा रहे हैं। बंधुओं, इसलिए संघ बड़ा कहलाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, संघ की मुख्यता यह है, जो आचार्य जी ने सबसे पहले संघ को स्तुति नमस्कार किया, संघ की स्तुति की, उसका कारण भी था। उसका कारण यह है कि संघ सबसे बड़ा होता है, यानी कोई बहुत बड़ा आचार्य हो, हम ये कहें सबसे बड़ा आचार्य, उससे ऊपर कोई ना हो, यदि उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, या ये काम नहीं करना चाहिए, या मैं ये काम करने में असमर्थ हूँ, उस समय यदि संघ निवेदन करे, चतुर्विध संघ यदि विनती करे कि आचार्य भगवान आपको ये काम करना होगा, तो आचार्य के लिए वो विनती स्वीकार करने वाली होगी। यदि आचार्य उस विनती को स्वीकार नहीं करता, तो संघ कोई भी निर्णय लेने में समर्थ है। संघ सबसे बड़ा होता है, संघ से ऊपर कुछ नहीं। बंधुओं, क्योंकि ये भगवान महावीर ने बनाए, आचार्य किसने बनाए, हमने बनाए, आप लोगों ने बनाए, लेकिन संघ तो स्वयं भगवान महावीर ने बनाया है, इसलिए संघ की प्रमुखता है। आपने शायद कभी सुना भी हो, जब आचार्य भद्रभाव स्वामी नेपाल में महाप्राण यात्रा कर रहे थे, उस समय वो साधना में लगे हुए थे, और इधर उत्तर भारत में अकाल पड़ा हुआ था, अकाल बहुत लंबा था, और उस अकाल में बहुत से साधु साध्वी दिवगंत हो गए, जो शास्त्रों के जानकार थे, पूर्वधर थे, जिन्हें पूर्वों का ज्ञान था, बहुत से साधु साध्वियों का देवलोक हो चुका था। ऐसे में ये पूर्वधर की परंपरा लुप्त ना हो जाए, ये 14 पूर्वों का ज्ञान कहीं समाप्त ना हो जाए, उस समय संघ ने स्थूली भद्र के सहित कई संतों को आचार्य भद्रभाव स्वामी के पास नेपाल में भेजा था कि आप वहाँ जाओ, और वहाँ पर जाकर आप 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करके आओ। कहते हैं उस समय आचार्य भद्रभाव स्वामी जो अपनी साधना में थे, उन्होंने मना कर दिया कि इस समय मैं साधना कर रहा हूँ और मेरी साधना अभी शेष है, इसलिए मैं संतों को ज्ञान दान देने में असमर्थ हूँ। उस समय संघ ने विनती की कि यदि आप स्थूली भद्र आदि संतों को ज्ञान दान नहीं दोगे, तो फिर आप कैसे आचार्य हुए? आपको संघ की विनती स्वीकार करनी चाहिए, यदि आपने संघ की विनती स्वीकार नहीं की, तो ये अच्छा नहीं होगा। तब आचार्य भद्रभाव स्वामी अपने युग के कितने बड़े आचार्य थे, 5वें पटधर थे वो, और उस समय उन्होंने संघ की विनती को स्वीकार करके अपनी साधना में से ही कुछ समय निकालकर संतों को ज्ञान दान देना प्रारंभ किया। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि संघ कितना बड़ा और कितना प्रमुख है, और भगवान महावीर के धर्म में संघ का क्या महत्व है। ऐसे में आचार्य देववाचक जी ने संघ की स्तुति की, संघ की स्तुति करते हुए उसकी महिमा का बखान किया कि संघ कैसा है, संघ का क्या महत्व है, और संघ को किस तरह से देखा जाता है। इसके पश्चात उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधरों की स्तुति की, और 11 गणधरों की स्तुति करते हुए उन्होंने क्या कहा, पढ़े मित इंद भूई
बीए पुने होई अग्गी भूई ती तैये ये वाऊ भूई तौ भी अते सुहमे ये मंडिये मोरिये पुते अकंपिये चेव अयल भाया ये मेया जे ये पाहासे गण हारा हुंती वीरस। तीर्थंकरों के बाद यदि कोई है तो वो गणधर। गणधर भगवान कितनी विशिष्ट लब्धि से युक्त होते हैं। पहली ही देशना में भगवान मां से सिर्फ तीन शब्द सुनते हैं, उत्पात वय ध्रुव। इन तीन शब्दों को सुनकर पूरी द्वादशांगी की रचना कर देते हैं। कैसा विशिष्ट ज्ञान होगा इनका। बंधुओं, जीवन चरित्र तो बहुत सुने आपने, कथा कहानियां तो बहुत सुनी आपने, लेकिन चुटकुले भी बहुत सुनते रहते हो। मैं सुनाना चाहती हूँ आपको वो महापुरुष जिनका हमारे धर्म में एक विशेष स्थान है, एक विशेष महत्व है। ये 11 गणधरों के नाम तो आपने बहुत बार सुने होंगे। गणधर गौतम स्वामी को भी आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन प्रसंग चल रहा है ये 11 गणधर कौन थे, किस नगर के थे, इन्होंने क्या किया, किस तरह से इन्होंने भगवान के चरणों में दीक्षा ली, इनकी क्या क्या शंकाएं थी और इनके कितने शिष्य प्रशिष्य बने, आगे ये धर्म व्यवस्था कैसे चली, कैसे आचार्य बने, भगवान महावीर के बाद क्या हुआ होगा संघ का, क्या निर्णय लिया होगा संघ ने, ये सब मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ। जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा, अब उसमें सत्य क्या है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने तो जो कथा में पढ़ा, जो किताबों में पढ़ा, जो कुछ मैंने अपने गुरुओं से सुना, वो मैं आपको अवश्य बताऊं। सबसे पहले गंधर की बात करें तो सर्वप्रथम इंद्रभूति गौतम, ये नाम ही ऐसा है जिसको सुनने मात्र से ये सिर श्रद्धा से झुक जाता है। गौतम आदि गणधर शिव सुख के प्रदाता है, आनंद देने वाले हैं। गौतम नाम की बंधुओं महिमा ही इतनी है कि भाव पूर्वक वंदन करने से, गुण कीर्तन करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। कहते भी तो हैं बंधुओं, सुना भी आपने बहुत होगा, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिए वांछित फल दाता। हमें तो ये समझो अपने इतिहास के बारे में शायद पता नहीं है। यदि कहीं पर भी किसी चीज में कमी पड़ रही हो, भोजन में कमी पड़ रही हो, धन धान्य में कमी पड़ रही हो, किसी भी तरह की कहीं हमको ये लग रहा है कि भीड़ बहुत हो गई और सामान थोड़ा है, क्या होगा कैसे होगा, बंधुओं गौतम स्वामी का नाम ही लेना काफी है। इतनी इतनी रिद्धि सिद्धि उनकी, आज भी उनके नाम से लोग चमत्कार देखते हैं, करते हैं। उनका तो नाम सुमरन काफी है, जहां गौतम स्वामी का नाम आ गया। आप जानते हो, आप अपनी भोजनशाला का नाम रखते हो या कार्ड में जब नाम छपवाते हो तो ये नहीं लिखते कि भोजनशाला, ये भोजन की व्यवस्था इनकी तरफ से है। आप एक शब्द लिखते हो, क्या शब्द लिखते हो प्रधान जी, क्या लिखते हो? गौतम प्रसाद। तो गौतम प्रसाद ही क्यों लिखते हो? इसलिए तो लिखते हैं कि गौतम स्वामी जी द्वारा उनका प्रसाद। गौतम शब्द जहाँ आ गया वहां तो कमी पड़नी नहीं चाहिए। सुनाऊंगी क्यों नहीं पड़नी चाहिए और उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जिससे इनका इतना महत्व। अंगुष्ठे अमृत बसे, जो ये बात कही गई यूं ही नहीं कही गई, इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। ऐसे नहीं कहते, ऐसी कोई बात नहीं प्रचलित हो जाती बंधुओं, कुछ किया होगा उन्होंने। और बड़ी साधु वंदना में भी जिक्र किया गया
चौबीसे जिन ना सगला ही गण धारे, चौदह सने बावन ते प्रणमु सुखकारे। जिन शासन नायक धन्य श्री वीर जिनंद, गोतमादिक गणधर बरतायो आनंद। भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हमेशा ही आनंद देने वाले, सुख समृद्धि देने वाले हैं। बंधुओं, सबसे पहले ये जानते हैं गणधर किसे कहते हैं। गण और धर, गण का अर्थ है समूह, दल, काफिला, और धर मतलब धारण करने वाला, यानी अपने समूह की व्यवस्था को संभालने वाला। अब उसके समूह में चाहे 500 सदस्य हैं, चाहे 1000 हैं, चाहे 1100 है, जितना भी बड़ा काफिला है, उस दल के मुखिया को गणधर कहते हैं। जिसने किसी समूह दल की व्यवस्था को संभाल लिया हो, ऐसे वो गणधर होते हैं। हर तीर्थंकर के अपने अपने गणधर होते हैं। किसी के 10 होते हैं, किसी के 20 भी हो सकते हैं, किसी के 11 है। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए। उस समय में जो भी व्यवस्था रहती है, उस हिसाब से गणधर होते हैं। बंधुओं, ऐसे ये 11 गणधर, इनमें जो प्रमुख थे इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम भगवान के प्रथम शिष्य ही नहीं थे, या मैं ये कहूँ कि भगवान के प्रति एक विशेष राग भाव रखने वाले अद्भुत शिष्य थे। शिष्य तो भगवान के 14,000 थे, लेकिन इंद्रभूति गौतम जैसा कोई नहीं था। ये गोबर ग्राम के माने जाते हैं। इनके पिता वसुभूति, इनकी माता पृथ्वी। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा था इंद्रभूति। इनका जो गोत्र था वो गौतम गोत्र था, ब्राह्मण कुल के थे, गौतम गोत्र था, और इसलिए ये इंद्रभूति गौतम के नाम से धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे। बड़े हुए, ब्राह्मण कुल के थे, तो वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया, अध्ययन किया, विद्वान बने, आचार्य बन गए, और ऐसे 500 वेद पाठी ब्राह्मण इनके शिष्य रूप में इनके पास रहकर विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। इनका बहुत बड़ा आश्रम था, जहाँ पर ये 500 शिष्यों को वेद वेदांगों का ज्ञान देते थे। बंधुओं, ये बात उस समय की है जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उस समय भगवान केवल ज्ञान के पश्चात अपापा नगरी की ओर पधारे, पावापुरी नगरी। वहां उस नगरी के बाहर देवताओं ने समोसरण की रचना की, क्योंकि समोसरण की रचना नगर में नहीं हो सकती, वो बहुत बड़ा एक योजन जितना है। यदि हम आजकल के माप के अनुसार बताएं तो लगभग 12-13 किलोमीटर का माप आता है एक योजन में। इतने बड़े समोसरण की रचना की जाती है, और पावा, उसी पापा नगरी में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत संपत्तिशाली था, जिसके पास अथाह धन दौलत थे। ऐसे उस सोमिल ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास इतनी संपत्ति है, क्यों ना मैं एक विशाल यज्ञ का आयोजन करूं। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें उसने दुनिया भर के, भारत के जितने भी विद्वान थे, जितने भी पंडित थे, जितने भी बड़े बड़े आचार्य थे, जितने भी ब्राह्मण थे, सभी को बुलाया, सभी को, और उसमें इंद्रभूति गौतम को विशेष निमंत्रण दिया। इंद्रभूति गौतम के साथ साथ उनके भाई अग्निभूति, उनके भाई वायुभूति, व्यक्त स्वामी, सुधर्मा स्वामी, ये अपनी अपनी जगह के बड़े से बड़े विद्वान पंडित थे,
और इन सभी के, किसी के 500 शिष्य, किसी के 300 शिष्य, किसी के 350 शिष्य इनके पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे। ऐसे 11 विद्वान पंडितों को तो उसने बुलाया ही बुलाया, और उसके साथ साथ अन्य भी देश भर में छोटे मोटे जितने भी विद्वान पंडित थे सभी को निमंत्रण दिया। सभी आए, पहुंचना ही था, विशेष निमंत्रण मिला था। और निमंत्रण के साथ साथ जब ये पता लगा, इंद्रभूति पहुंच रहे हैं, जो भारत के एक मान्य ऐसे ब्राह्मण थे जिनके ऊपर कोई नहीं, इंद्रभूति पहुंच रहे हैं, फिर तो जरूर आएंगे, फिर तो जरूर जाएंगे, इंद्रभूति जी से भी मिलना हो जाएगा। बंधुओं, ये समझ लो एक मेला लगा हुआ, सभी को बस पावापुरी पहुंचना था। बड़े से बड़े विद्वान पंडित पहुंच रहे थे, लोगों में भी इस बात की चर्चा हुई, इतने विद्वान ब्राह्मण आएंगे, और लोगों को भी निमंत्रण दिया गया था, विशाल यज्ञ था, हजारों लोग पहुंचे हुए थे, हजारों ब्राह्मण, हजारों यज्ञ, चारों तरफ इंद्रभूति जी की यशो गाथाएं गाई जा रही थी। उनके समान इस दुनिया में कोई वादी नहीं था जो उनसे वाद कर सके, इसलिए गौतम स्वामी को कई तरह की उपाधियां मिली हुई थी, जिसमें वादी केसरी, वादी मदगंजन, सरस्वती पुत्र, क्योंकि उनके समान कोई नहीं। सुविशाल यज्ञ में सभी पहुंच रहे थे, यज्ञ प्रारंभ हो गया, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा, सभी अपनी अपनी तरह से आहुतियां डालने लगे, और उन यज्ञों में डाली जाने वाली आहुतियों के कारण चारों तरफ का वातावरण बड़ा सुंदर बन रहा था, बड़ा ही सुगंधित बन रहा था। तभी उन्होंने क्या देखा, आकाश में देवताओं का विमान जा रहे हैं और पूरा आकाश जगमग कर रहा है। ये क्या, ये कहाँ जा रहे हैं, ये लगता है इसी यज्ञ में आ रहे हैं। सभी लोग कहने लगे, कमाल हो गया भाई, सोमिल ब्राह्मण तो धन्य धन्य हो गया, जिसके यज्ञ में देवताओं के इतने सारे विमान आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, स्वयं देवराज इंद्र, बड़े बड़े इंद्र महाराज भी, जिसके विमान, जिनके विमान इस यज्ञ में उतर रहे हो। सभी लोग वाह वाह करने लगे, इंद्रभूति गौतम की जय जयकार करने लगे। लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा, जो विमान उस यज्ञ की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे उस यज्ञ को पार करते हुए कहीं दूर चले गए। ये क्या हुआ, ये विमान कहाँ गए, रास्ता तो नहीं भटक गए कहीं? हाँ जी, अब गलियां होती तो रास्ता भटक भी जाते, ये तो देवता थे, इनको तो गूगल मैप की भी जरूरत नहीं है, ये रास्ता कैसे भटक गए, क्या हुआ, कहाँ गए, किधर की तरफ बढ़े? सभी हैरान, लोग भी हैरान, चलो भाई चलकर देखते हैं। पब्लिक खड़ी हो गई, पब्लिक को यज्ञ में थोड़ी आई थी, वो तो तमाशा देखने के लिए आई थी, कितने भीड़ जुड़ेगी, कितने पंडित आएंगे, खाने में क्या क्या बना होगा, कैसे यज्ञ होगा, ये तो देखने के लिए आई थी। अब उन्होंने विमानों को जाते हुए देखा, बस फिर क्या था, पब्लिक खड़ी हो गई, और खड़ी होकर जिधर की तरफ विमान जा रहे थे उधर की तरफ बढ़ गई। लोगों को क्या चाहिए, चमत्कार चाहिए, चमत्कार दिखा दो तो वहां एक पेड़ पर भी पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। यदि एक पेड़ को मत्था टेक दिया ना और काम बन गया, तो समझ लो फिर तो वो पेड़ पेड़ नहीं रहेगा, मंदिर बन जाएगा वहां पर। चमत्कार को नमस्कार है, देखते ही देखते सारे लोगों से भरा वो मैदान खाली हो गया। इंद्रभूति गौतम को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि एक मिनट में उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। ये क्या हुआ, ये सारे के सारे कहाँ चले गए? उत्साह गिर गया, निराश और हताश हो गए सभी। इंद्रभूति गौतम की तरफ देखने लगे विद्वान पंडित, ये क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जाओ जाकर देखो ये देवताओं के विमान किधर की तरफ गए हैं। शिष्य गया, देख कर आया, आकर कहने लगा, गुरुदेव यही नगर के बाहर सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा है, और ये सभी के सभी विमान
उधर ही उस समोसरण में उतरे हैं। ये सभी देवता भगवान महावीर की वाणी सुनने के लिए गए हैं। अच्छा, क्या हो रहा है वहां पर? भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वे अब लोक अलोक दोनों को जानने वाले हैं। वहां देवताओं ने समोसरण की रचना की है, ऐसा भव्य समोसरण जो कभी ना देखा गया हो। ये लोग उसी समोसरण की ओर गए हैं। समोसरण? कैसा समोसरण? कैसे दिखते हैं वो? तुमने देखा समोसरण? हाँ गुरुदेव, मैंने देखा। क्या देखा तुमने? बंधुओं, वो शिष्य जो बता रहा है वो बता रहे हो। भगवान की समोसरण की रचना कैसे होती है ये मैं थोड़ा आपको भी बताना चाहूंगी। वो क्या बताता है? सोहे सुर राज राज संपत युत युत देवी गण देव वर जिन वर भगवंद वंदना कर कर पेख्या धर शुभ भक्ति कर दाहन बुझ काड काड तिहते वर देव कुमार अनूप कर कुमरी बहु रूप रूप यौवन निध वामी ते सुर प्राद करें। गुरुदेव, मैंने देखा शक्रेंद्र महाराज और सभी श्रेष्ठ देवी देवता सर्वज्ञ भगवान की वंदना कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, उनकी आदिक्षिणा प्रदिक्षिणा कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेक्षागृह मंडप रंग मंच का निर्माण किया। क्या किया शक्रेंद्र महाराज ने? अपना एक हाथ उठाया, उसमें से देवता निकल निकल कर आए, दूसरा हाथ उठाया, उसमें से देवियां निकल निकल कर आई, और इस तरह से वो देव कुमार और देव कुमारियां वहां पर 32 प्रकार का नाटक दिखा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, और क्या देखा तुमने? देखे जिन चित्र चित्र नाना विध सुर रिद्धि ठय जिन वर सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु प्रभु समाधि थिर चित्त भय। इस प्रकार देवी देवता नाना प्रकार के अलग अलग तरह के चित्र और विचित्र नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी रिद्धियां दिखा रहे हैं, किंतु किंतु क्या, इतना सब कुछ भव्य होने के बाद भी सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर अपनी समाधि में लीन है। आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा कि देवताओं को नाटक दिखाने की क्या जरूरत है, वो नृत्य क्यों कर रहे हैं, शक्रेंद्र महाराज नाटक क्यों दिखा रहे हैं? हाँ जी, क्या विचार है आपके इस विषय में, क्यों दिखा रहे हैं? हाँ जी भाइयों, हाँ जी, दो कारण हैं। एक तो केवल ज्ञान उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ इस बात की खुशी देवता मना रहे हैं। दूसरा, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम देवी देवता इतनी अपार रिद्धि सिद्धि वाले भी किनके दास हैं, चरम तीर्थंकर भगवान महावीर के दास हैं, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, ताकि लोग ये देखें कि देखो जिनके चरणों में सर्वज्ञ जिन सर्वज्ञों के चरणों में देवी देवता भी आते हैं तो वो कितने महान होंगे, कि हम इनके दास हैं, हम इनके चरणों में नृत्य कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो तुम भी इनकी शरण में आओ, इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, लोगों की श्रद्धा पैदा हो। ये दो कारण हो सकते हैं। फिर और क्या देखा तुमने? सिंहासन रतन रतन मय ऊपर प्रभु अनूप तन शोभ रहो छत्रोत्तम तीन तीन जग प्रभुता चामर शक्र ईशान घो। ऐसा वो भव्य समोसरण जो लगा हुआ है, जो जिसके तीन परकोटे बनाए हुए हैं, तीन परकोटों में बंधुओं व्यवस्थाएं की जाती है। समोसरण सुनाने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक एक परकोटे में
त्रयंच जीवों के बैठने की व्यवस्था होती है, दूसरे में नर नारियों के बैठने की व्यवस्था होती है और तीसरे में देवी देवताओं के बैठने की व्यवस्था होती है। ऐसे समोसरण पर चढ़ने के लिए 20,000 सीढ़ियाँ बनाई जाती है। आपसे 20 सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती, 20,000 सीढ़ियाँ बनाई जाती है और सबसे ऊपर अशोक नाम का एक वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे एक स्वर्णिम सिंहासन होता है और उस सिंहासन पर तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर विराजमान है। उनके जो पांव रखने की पाद पीठी का है वो भी सोने की है। इतना ही नहीं बंधुओं, 3 छत्र हैं भगवान महावीर के ऊपर और शक्रेंद्र महाराज पहले देवलोक के इंद्र, दूसरे देवलोक के जो इंद्र हैं ईशानेंद्र महाराज चंवर लेकर भगवान महावीर के दाएं बाएं खड़े होकर चंवर ढुला रहे हैं। सोच सकते हो आप, इंद्र महाराज चंवर ढुला रहे हैं भगवान महावीर, अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि धन्य हैं आज हमें भगवान महावीर की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे उस भव्य समोसरण को गुरुदेव मैंने देखा, देखता ही रह गया। जो वहाँ जाता है वो वापिस नहीं आ सकता, ऐसा वो विराट व्यक्तित्व है, अष्ट प्रतिहारी हैं। ये तो मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बताया है समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा समोसरण की महिमा है। बंधुओं, शिष्य बताए जा रहा है, इंद्रभूति को हैरानी हो रही है, अरे सर्वज्ञ तो मैं हूँ, मेरे जितना विद्वान इस संसार में कोई नहीं हो सकता, ये दूसरा सर्वज्ञ कहाँ से आ गया? लगता है इसने कोई इंद्र जाल बिछाया है लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए। इसने जरूर किसी ऐसी सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया है जिससे मनुष्य तो क्या, देवी देवता भी इसकी तरफ आकर्षित हो गए। तरह तरह के प्रश्न उनके दिमाग में आने लगे, कहने लगे मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगा और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा कि उसकी सर्वज्ञता का आवरण टूटकर बिखर जाएगा, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते वो, मेरे सामने कैसे कोई टिक सकता है, क्योंकि मेरे जैसा विद्वान इस संसार में कोई नहीं। चलो शिष्यों, इंद्रभूति गौतम ने शिष्यों का आदेश दिया, 500 के 500 शिष्य खड़े हो गए। बंधुओं, एक शिष्य ने कमंडल धारण किया, एक शिष्य ने छत्र अपने गुरु के सिर पर धारण किया और इस तरह से बाकी के शिष्य जय जयकार करते हुए और चल दिए कहाँ, जहाँ भगवान महावीर का समोसरण लगा हुआ था। पहुँचे समोसरण में, अभी तो पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े थे, समोसरण के पास ही गए थे, देखते ही दंग रह गए। कमाल है, एक कोटा सोने का, 4 दीवारी, 1 4 दीवारी चांदी की, 1 4 दीवारी हीरे की, क्या सोने के कंगूरे लटक रहे हैं, हीरे मोतियों के तो कंगूरे लटक रहे हैं, क्या विशाल समोसरण है। देखते ही इंद्रभूति गौतम दंग रह गए। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी, पहली सीढ़ी पर चढ़े, ओहो कितना बड़ा, कितना सुंदर, ऐसा तो मैंने आज तक भी नहीं देखा। दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, यहाँ कितनी शांति है ना, कितना आनंद मिलता है, मन शांत हो गया, ऐसा लगता है जैसे मन की सारी थकान दूर हो गई हो। तीसरी सीढ़ी पर चढ़े, चढ़ते जा रहे हैं, मन के द्वंद्व मिटते जा रहे हैं, अहंकार टूटता जा रहा है, ऐसी शांति मिली जैसी आज तक कभी इंद्रभूति गौतम ने प्राप्त ना की हो। चढ़ते गए बंधुओं, 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ते, अब उन्हें महावीर दिखाई देने शुरू हो गए। एक और विशेषता, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ थकान नहीं होगी, तीर्थंकर का अतिशय था। आप भी कभी तीर्थ यात्रा पर जाते हो, शिखर जी गिरनार जी पर जाते हो, थकान होती है क्या? घर में एक सीढ़ी चढ़नी मुश्किल है और वहाँ यात्रा करके आते हो, उस भूमि का प्रताप है, तीर्थंकरों का प्रताप है, ऐसी समोसरण का प्रताप है, चाहे 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ जाए थकान नहीं होती। प्रभु महावीर दिखाई देने शुरू हुए, ओहो
क्या रूप है, क्या सौंदर्य है, क्या आकर्षक है, कमाल हो गया। ये सामान्य व्यक्ति है, कौन है ये व्यक्ति, इतना भव्य, इतना सुंदर, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। दृष्टि महावीर पर टिकी हुई है, सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, मैं कहाँ आ गया, क्या ये ब्रह्मा है? नहीं नहीं, ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं, वो तो वृद्ध है, ये वृद्ध भी नहीं है। क्या ये विष्णु है? नहीं, विष्णु भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका तो श्याम वर्ण है, इनका तो श्याम वर्ण भी नहीं है। तो कौन है ये? महेश्वर है, शिव जी है, महेश्वर कैसे हो सकते हैं, वो तो हिंसक है, उनके गले में तो सांप है, संहारक है, ये तो संहारक भी दिखाई नहीं देते, इनके पास तो कितनी शांति मिलती है, इनका चेहरा तो अमृत के समान, कैसे इनके चेहरे से रस झरना झर रहा है। कौन है ये फिर? सूर्य? नहीं नहीं, सूर्य कैसे हो सकते हैं, सूर्य तो जला देता है, सूर्य अग्नि पैदा करता है, लेकिन इनके पास जाने से तो शीतलता मिलती है। तो चंद्रमा होंगे? चंद्रमा कैसे हो सकते हैं, चंद्रमा में तो दाग होता है, इनमें तो कोई दाग ही नहीं है। फिर कौन है ये? कामदेव? नहीं, कामदेव भी नहीं, ये तो वास्तव में सर्व गुणों से संपन्न सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। अगर ऐसा ही है तो गौतम वापिस लौट जा, कहीं तेरी हार ना हो जाए, कहीं ये तुझे हरा ना दे। ऐसे कैसे हरा देंगे मुझे, नहीं मेरे समान इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर अंदर का अहंकार जागृत हुआ, पहुंच गए भगवान महावीर के पास। क्या करूं, वापिस भी नहीं लौट सकता, आगे भी नहीं बढ़ सकता, इन्हें प्रास्त करूं कैसे करूं, सोचते रहे सोचते रहे। तभी भगवान महावीर बोले, हे इंद्रभूति गौतम, सा गयम सुआगतम, स्व पर कल्याणकारी होने से तुम्हारा आगमन अच्छा है। गौतम तुम आ गए, तुम्हें तो आना ही था। अरे ये क्या, क्या ये मेरा नाम जानते हैं? जानते होंगे, कौन नहीं जानता मुझे। हाँ जी बहनों, कभी कभी गुरुओं के पास आते हो, कहते हैं महाराज जी पहचान लिया, कहते हैं हम पहचान लिया महाराज जी, जैसे आप रोज परिचय करा कर, कभी मिले होंगे साल दो साल में एक बार, फिर भी महाराज जी पहचान लिया। महाराज जी 24 तीर्थंकरों का नाम रोज लेते हैं, गंधर्वों का लेते हैं, अब किस किस का नाम याद रखे, किस किस की पहचान रखे, लेकिन आपकी पहचान कितनी है ना, फिर भी महाराज जी पहचान लेते हैं। महाराज जी मैं उसके घर से, देखो वो कितनी, आप बड़ी से बड़ी पहचान बताने की कोशिश करते हैं। इंद्रभूति गौतम भी कहने लगे, कौन नहीं जानता मुझे, सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है इंद्रभूति गौतम को, इन्होंने मेरा नाम ले दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भगवान कहने लगे, गौतम तुम्हारे मन में आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, इस विषय में शंका है? इतने वेद वेदांगों का जानकार होने के बाद भी क्या तुम आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पाए? जैसे ही गौतम स्वामी ने ये बात सुनी, हैरान रह गए, ये तो मेरे मन की बात थी, ये तो आज तक किसी को पता ही नहीं थी, इनको कैसे पता चली? अगर इनको ये बात पता है तो इसका मतलब यही सर्वज्ञ है। मेरी प्रतिज्ञा थी जो मेरी इस शंका का समाधान कर देगा वही मेरा गुरु होगा, इसका मतलब यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे आराध्य है। हाथ जोड़ लिए, हाँ प्रभु मुझे इस विषय में शंका है। गौतम जो तुम्हारे मन में शंका है, ये शंका कहाँ से पैदा हुई, ये शंका किसने पैदा की, जहाँ शंका उत्पन्न हुई वो चीज क्या है, वही तो आत्मा है। तुम जब कहते हो मैं आया मैं गया, मैं प्रसन्न हूँ मैं दुखी हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं कौन हूँ? हाँ जी मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं जहाँ मैं की बात आ गई वो आत्मा, ये आत्मा ही तो बोलती है, शरीर तो बोलता ही नहीं, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है, शरीर यहीं रह जाता है,
आत्मा अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाती है। जब तक ये आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो जाती तब तक ये शरीर को धारण करती है, तरह तरह के शरीर बदलती रहती है, और जब इस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है फिर ये आत्मा भी मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाती है, फिर ये कोई भी शरीर धारण नहीं करती। अच्छा, ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं चला था। प्रभु मैं धन्य हो गया, मेरी शंका का समाधान हो गया। प्रभु आज आपने मुझे परास्त कर दिया, अब ये गौतम और किसी का नहीं है, अब ये आपका हो गया, हमेशा हमेशा के लिए आपका हो गया। प्रभु आपने मेरे अहंकार को अर्हम में बदल दिया, मेरे अंदर सद्ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई, मिथ्यात्व को छोड़कर गौतम गंध स्वामी सम्यक्त की ओर प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा मंत्र प्रदान करें। और बंधुओं, भगवान ने कहा आहा सुहम देवानो पिए माँ पड़ी बंद करे है, हे गौतम जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, लेकिन धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। गौतम ने अपने शिष्यों का कहा, हे शिष्यों मैं तो भगवान महावीर का शिष्य बन गया, अब तुम किसी और गुरु की शरण में रहकर पढ़ाई करना, या अपने घर में जाना हो तो चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो यहीं पर रहकर प्रभु महावीर के चरणों में रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करूँगा। 500 शिष्य कहने लगे, गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, जहाँ हमारे गुरु जाएंगे वहीं पर हम जाएंगे, हम भी आपके साथ दीक्षा मंत्र ग्रहण करें। जैसी तुम्हारी आत्मा को ठीक लगे। इस तरह बंधुओं, भगवान महावीर ने गौतम सहित उनके 500 शिष्यों को भी दीक्षा मंत्र प्रदान किया। धन्य धन्य हो गए वो सभी प्रभु महावीर से दीक्षा मंत्र अंगीकार करने के पश्चात। और इस तरह भगवान ने प्रथम गणधर, गणधर जो पद है लब्धि, दीक्षा लेते ही गौतम स्वामी को गणधर लब्धि प्राप्त हुई और वो भगवान महावीर के संघ के प्रथम गणधर कहलाए। दीक्षा लेने के पश्चात भगवान के चरणों में बैठे उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, दो शब्द आपको भी कहना चाहूँगी। कितना समर्पण किया उन्होंने भगवान के प्रति कि अब ये गौतम आपका है, अब जब तक जिंदगी है ये गौतम आपका ही रहेगा। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती है बंधुओं गौतम स्वामी और भगवान महावीर की, क्या कहने लगे, मेरे वीर महावीर, मेरे वीर महावीर, तुम हरते हो सबकी पीर, मेरे वीर महावीर, मेरे वीर महावीर, तू ही ज्ञान दाता जग का विधाता, तू ही ज्ञान दाता जग का विधाता, तेरी ही महिमा को विश्व ये गाता, तेरी ही महिमा को विश्व ये गाता, तू ही दुखियों की तकदीर, महावीर महावीर, मेरे वीर महावीर, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू ही वीतरागी तू निष्कामी, तू ही वीतरागी तू निष्कामी, तू ही परमात्मा, मेरे वीर महावीर, मेरे वीर महावीर, मेरे वीर महावीर। बंधुओं, गौतम स्वामी सहित 500 शिष्य दीक्षित हो रहे हैं। एक व्यक्ति जो उनके साथ आया उसने जब ये देखा हिल गया, अरे गौतम स्वामी तो महावीर को हराने के लिए आए थे, ये क्या, ये तो खुद महावीर के बन बैठे।
दौड़ता हुआ यज्ञ की तरफ गया, जहाँ अन्य पंडित बैठे हुए थे, 10 और विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए थे। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हो गया, होना क्या था? उस मायावी ने तो गौतम इंद्रभूति गौतम को भी अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वो तो उन्हीं के शिष्य बनकर रह गए। अग्निभूति जो उनके भाई थे कहने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई जैसा सर्वज्ञ इस दुनिया में कोई नहीं है, वो इतनी जल्दी हार मान नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ, मैं देख कर आया हूँ, उन्होंने महावीर का धर्म स्वीकार कर लिया है। अच्छा ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, मैं भी जाता हूँ, मैं प्रभु महावीर को परास्त करूँगा, उन्हें परास्त करके अपने भाई को वापिस लेकर आऊँगा। बारी आ रही है अग्निभूति की, अग्निभूति गौतम भी जाते हैं, देखते हैं परास्त करके आते हैं या खुद परास्त हो जाते हैं, देखते हैं वो इंद्रभूति गौतम को साथ लेकर आएंगे या खुद महावीर के हो जाएंगे। बंधुओं बड़ी सुंदर कथा है ये, कैसे एक 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 ब्राह्मण जाएगा प्रभु महावीर को परास्त करने के लिए, देख नज़ारा बदल जाता है। सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ और आप सभी से कहना चाहूँगी, आप भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ नंदी सूत्र में वर्णित आचार्यों को गणधरों को सुने, सुने हमारे संत कैसे थे, सुने हमारे आचार्य कैसे थे, उनका जीवन कैसा था। बंधुओं तो आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे, स्वयं भी आए औरों को भी अपने साथ में लेकर आए। प्रतिदिन के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आज का जो प्रश्न है प्रवचन में से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे कहा था महाराज जी बाहर से मत पूछा करो। संगम देव ने एक रात्रि में, राकेश भाई कहाँ गए? हाँ जी राकेश भैया आपके लिए है ये प्रश्न, कल का ही है प्रवचन, आज लेट आयो इसलिए। संगम देव ने एक रात्रि में कितने उपसर्ग दिए और भगवान के साथ कितने दिनों तक रहा? अभी एक बार इनको टटोल। हाँ जी, हाँ जी 20 उपसर्ग, और भगवान के साथ कितने दिनों तक रहा? हाँ बहुत सुंदर लगता है आप प्रवचन सुनते हैं। संगम देव एक रात्रि में प्रतिदिन भगवान को 20 उपसर्ग देता था और भगवान के साथ वो 6 महीनों तक रहा था। दूसरा प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? कर दी ना गड़बड़। हाँ जी देखो आपने एक जना उत्तर दोगे तभी तो इनाम एक को मिलेगा, अब सभी उत्तर दोगे तो सबको इनाम कैसे मिलेगा। हाँ जी बहना बोलो। हाँ वैसे 24वें तीर्थंकर का नाम वर्धमान है, महावीर तो उनका गुण है, उनकी विशेषता, उनकी उपाधि है, नाम उनका वर्धमान स्वामी है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया सभी ने। तो प्रतिदिन के जो तपस्याएं क्षेत्र में चल रही हैं उसमें एक आसनों की लड़ियां चल रही हैं, जिसमें बहन रवेका जैन आज उनका 12वां एक आसना है, भाई ईशांत जैन आज उनका 12वां एक आसना है। बहुत अच्छी बात है कि ये जप के तप के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो जाप है आत्म नवतरुणी मंडल की तरफ से रहेगा, और आज का जो आईमिल है अलीशा जैन अभिनंदन ऋषि नगर की तरफ से, कल का जो जाप का आयोजन है अंकित जैन कंचन जैन की तरफ से रहेगा, और आईमिल आंचल जैन मयूर विहार की तरफ से रहेगा। मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगी, सभी मंडलों को कहना चाहूँगी कि आपके इतने बड़े बड़े मंडल हैं, एक एक मंडल में 60-70 ऐसे बहनें भी हैं, भाई भी हैं, युवा मंडल में भी अच्छी संख्या है, तो सभी अपने प्रवचन सभा का रूटीन बनाएं। जो ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-10 मेंबर, 20-20 मेंबर भी यदि आने का भाव प्रतिदिन रखेंगे तो प्रवचन की शोभा बनी रहती है। आप देखिए अभी तो चतुर्मास प्रारंभ हुआ है, मैं तो समश्री के बाद की कल्पना कर रही हूँ, समश्री के बाद क्या होगा। तो प्रारंभ में ये यदि ये हाल होगा तो समश्री के बाद तो ये कह सकते हैं बुरा हाल होगा, लेकिन बुरा हाल नहीं करना है। भगवान का जीवन सुन रहे हो,
तीर्थंकर गणधरों का जीवन सुन रहे हो तो अपने अंदर थोड़ी सी जागृति लेकर आनी है। तो सभी इस बात का ध्यान दें, हमारा तरुणी मंडल हो, चाहे नव तरुणी मंडल हो, चाहे युवा मंडल हो, चाहे कोई भी मंडल हो, मंडल व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं। सभी मंडलों को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। 4 महीने की बात है, फिर तो साधु सती क्षेत्र से चले जाते हैं, फिर कहाँ धर्म ध्यान हो पाता है और कहाँ प्रवचनों की श्रृंखला बन पाती है, इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। प्रतिदिन के दैनिक पचखानों में आज का पचखान रहेगा, आज गौतम स्वामी जी का ही जाप किया जाएगा। श्री गौतम स्वामी ने नमः, श्री गौतम स्वामी ने नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप किया जाएगा। सब्जियों में गोभी, फलों में गन्ना और मिठाइयों में गुलाब जामुन की मिठाई का नियम प्रत्याख्यान रहेगा। त्याग भोसरे भोसरे। अब प्रधान जी सूचना समझ जाए।